हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक मास्क बताऊंगी जो कि सेलिब्रिटी फेवरेट मास्क है। तो ये मास्क बनाना बहुत ईजी है। इसमें आपको क्या क्या चाहिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने एक बॉल ले लेना है। उसमें आपको 2 स्पून बीटरूट जूस ऐड करना है। फ्रेंड्स, बीटरूट जूस में ए और सी विटामिन होती है जो हमारी स्किन और हेल्थ दोनों के लिए ही बहुत अच्छी होती है। आपको 2 टेबल स्पून इसमें बीटरूट जूस ऐड कर देना है। देखिए, उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या लेना है, आपने 1 टेबल स्पून इसमें दही ऐड करना है। देखिए, ये घर का दही है, आप चाहे तो रेडीमेड भी ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून आपने दही इसमें ऐड कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपने इसमें ऐड करना है, आप चाहे तो मुल्तानी मिट्टी भी ले सकते हैं, नहीं तो बेसन भी ले सकते हैं। मैंने ये बेसन लिया है। आपको 2 टेबल स्पून इसमें बेसन ऐड करना है। बेसन हमारी स्किन को अंदर से साफ करता है और हमारी स्किन को क्लीन करता है। देखिए फ्रेंड्स, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें बेसन ऐड कर दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको 1 टेबल स्पून लेमन इसमें ऐड करना है। लेमन हमारी स्किन में जो डार्क स्पॉट्स होते हैं या कुछ जो हमारे स्किन में पिंपल्स वगैरह होते हैं वो सब रिमूव करता है और ये हमारी स्किन को ग्लो देता है और हमारे वाइट करता है, हमारी स्किन को ब्राइट करता है। तो इसके बीजे आपने साइड कर लेने हैं और जूस आपने इसमें ऐड करके इसको अच्छी सी एक फाइन आपने पेस्ट बना लेनी है। आप देखोगे बहुत ही फाइन और अच्छी पेस्ट बन जाएगी कुछ इस तरह से। आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, कोई लम्स वगैरह इसमें नहीं रहने देना है, नहीं तो आपका पैक अच्छा नहीं बनेगा और आपकी स्किन में ग्लो नहीं आएगा। अपने अच्छे से इसे मिक्स करके एक पेस्ट बना ले। देखिए कुछ इस तरह से, मैं जिस तरह से बना रही हूँ अच्छे से अपने इसे मिक्स करना और एक बहुत ही फाइन पेस्ट तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से एक फाइन पेस्ट रेडी हो गई है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं है। अब मैं फ्रेंड्स आपको ये फेस पे अपने लगा के दिखाऊंगी कि आपको किस तरह से इसे लगाना है। देखिए, पहले अपने मैं बालों को स्क्वायर कर लूँगी कि कहीं मेरे बालों में ना लग जाए, तो अपने बालों को स्क्वायर कर लूँगी। देखिए इस तरह से मैंने अपने बालों को बांध दिया है। उसके बाद मैं, आप चाहे तो फिंगर टिप्स के हेल्प से भी लगा सकते हैं, नहीं तो ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से, जैसे कि मैं ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ। अच्छे से अपने फेस पे आपने लगा लेना है, कोई भी जगह नहीं छोड़नी है। और आपने अंडर आई में भी लगा लेनी है। देखिए मैंने अंडर आई में भी लगाऊंगी, ये देखिए इस तरह से अंडर आईज में जो डार्क सर्कल वगैरह होते हैं वो भी इससे रिमूव होंगे और हमारी अंडर आई भी साफ़ हो जाएगी। देखिए अच्छे से आपने अपनी स्किन पे इसे अप्लाई कर लेना है, कहीं से भी छोड़ना नहीं है। देखिए अच्छे से मैं जिस तरह से अप्लाई कर रही हूँ, देखिए मैं अंडर आई में भी लगाऊंगी। इससे मेरे डार्क हल्के हल्के डार्क दिख रहे हैं ना, डार्क सर्कल, वो भी रिमूव हो जाएंगे। आप भी कुछ इस तरह से अपनी स्किन पे लगा लो, अंडर आई में भी लगा, आँखों के ऊपर में भी लगाएं, इससे आपकी आँखें साफ होंगी। देखिए मैं पूरे अपने फेस को अच्छे से कवर कर रही हूँ। आप भी इस तरह ही अपने फेस को इस पैक से अच्छे से कवर कर लें। देखिए कुछ इस तरह से मैं अपने फेस को पूरे कवर कर लूँगी। अच्छे से ब्रश की हेल्प से आप अपने फेस को कवर कर लें। कौन आया, अच्छे से कवर कर लें। और मैं अपने डार्क स्पॉट्स पे भी लगाऊंगी और आँखों के ऊपर भी लगाऊंगी, क्योंकि आँखों के ऊपर भी हमारे जो डार्क सर्कल होते हैं उसे भी ये रिमूव करता है। अच्छे से आप इसे देखिए इस तरह से कवर करके अच्छे से ब्रश की हेल्प से, या आपको हाँ फिंगर टिप्स की हेल्प से लगाना हो तो आप उससे भी लगा सकते हैं। आपको जिससे कंफर्टेबल लगे आप उससे लगा लें। देखिए मैंने जैसे पूरे अपने फेस को अच्छे से कवर कर लिया है कुछ इस तरह से, आप भी अपने फेस को कवर कर लें। आप चाहे तो अपनी गर्दन पे भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स, जिस तरह मैंने अपनी गर्दन पर लगाया, और 20 मिनट तक आप इसे सूखने के लिए छोड़ दें। अब देखिए मेरा चेहरा पूरे अच्छे से सूख गया है। देखिए आपको सीधा पानी से नहीं धोना है, आपने गुलाब जल लेना है। गुलाब जल से अपने चेहरे पे स्प्रे करना है, पहले अच्छे से अपने चेहरे को स्प्रे कर लें। उसके बाद आप अपने फिंगर टिप्स से 5 मिनट्स तक अपने चेहरे को अच्छे से मसाज करना है आपने। देखिए मैं जैसे 5 मिनट्स के लिए अपने चेहरे को अच्छे से
मसाज करूँगी। आपने भी कुछ इसी तरह से अपने चेहरे को अच्छे से मसाज कर लेना है, आंखों के अंडर आई में भी अच्छे से मसाज करना है और हमारे चेहरे को भी अच्छे से मसाज करना है। देखिए कुछ इस तरह से, देखिए 5 मिनट्स तक आपको अपने चेहरे की मसाज करनी है। अच्छे से मसाज करने के बाद आपको कम लगे तो आप और अपना गुलाब जल छिड़क के अपने चेहरे को और अच्छे से मसाज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे कम लगा था तो मैंने और गुलाब जल अपने चेहरे पर डाला और मसाज करना चालू कर दिया। देखिए कुछ इस तरह से मैं अपने फेस को पूरे अच्छे से मसाज कर रही हूँ। इससे क्या होगा, मेरा चेहरा क्लीन हो जाएगा और ग्लो करने लगेगा। आप भी इसी तरह से अपने चेहरे पे गुलाब जल डाल के अच्छे से मसाज करें, हल्के हाथों से, कोई हार्ड हाथ से नहीं करना है, सॉफ्ट हैंड से अपने फेस को अच्छे से मसाज कर ले। देखिए कुछ इस तरह से मैंने अच्छे से मसाज कर लिया है। आप गर्दन पर भी मसाज करें और आंखों के इर्द गिर्द चेहरे पूरे पे 5 मिनट्स तक, घड़ी देख के आप अपने 5 मिनट्स तक फेस को अच्छे से मसाज करते रहें। आप गर्दन को भी मसाज करें, अगर आपने गर्दन पे अप्लाई किया है तो आप गर्दन को भी मसाज करें। मैंने तो गर्दन पे भी अप्लाई किया इसलिए मैं गर्दन पे भी मसाज कर रही हूँ। देखिए उसमें धो लें, अपने चेहरे को अच्छे से धो लें। धोने के बाद फ्रेंड्स आप मेरे चेहरे पे ग्लो देखोगे। मैंने कोई भी मेकअप अप्लाई नहीं किया है और मेरा चेहरा आपको देखोगे कितना शाइनिंग और कितना साफ लग रहा है और कितनी सुंदर ग्लो कर रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर दबाएं। मैं आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।